जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों को लेकर मंडी में प्रेस वार्ता की और कहा कि कोटली नागरिक अस्पताल सिर्फ कागजों में ही अपग्रेड हुआ है, जबकि धरातल पर अस्पताल मन सुविधाओं की कमी है। दीपक शर्मा का कहना है कि यहाँ के स्टाफ को किसी दूसरी जगह डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है और ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि कोटली क्षेत्र की जनता के साथ सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता विरोध करने से गुरेज नहीं करेगी। दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार को कोटली अस्पताल को हर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। दीपक शर्मा ने कहा कि कोटली अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए यहां विशेषज्ञ डॉक्टर नियुक्त करने चाहिए, क्योंकि इस अस्पताल में विशेषज्ञ नियुक्त होने से तुंगल क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे। देखिए, आज हम यहां पे जनता की जो मूलभूत आवश्यकता होती है और एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, उसके मद्देनजर हमने आज बात रखी और इसमें हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से जो सरकार का ध्यान और स्वास्थ्य विभाग का ध्यान और जो अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया कि जो कोटली हॉस्पिटल महज जो कागजों में सिविल हॉस्पिटल है, जबकि धरातल में रचनात्मक रूप में ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग ने जैसे ही कोरोना महामारी हमारे हिमाचल में आई और हमारे देश में आई, उसी वक्त सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करी स्वास्थ्य कर्मियों का, जो कोरोना वॉरियर्स है उनका भी कहीं डेपुटेशन है उसको उसको रद्द किया जाए और बाकी आगे से कोई डेपुटेशन ना किया जाए। पर उस पर प्रश्न चिन्ह तब उठता है जब इनके ही आला अधिकारी, जो जिला के आला अधिकारी हैं, वो इसकी अवहेलना करते हुए डेपुटेशन करते हैं और डेपुटेशन किस पारदर्शिता पे किया जाता है, क्या मापदंड अपनाए जाते हैं, वो भी प्रश्न के घेरे में है, क्योंकि यहाँ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, किसका डेपुटेशन किया जा रहा है, किसका नहीं किया जा रहा है, इस बारे में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं और हमें इसके लिए अगर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो हम खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो जनता की जो मांग है, जनता की मांग है कि जो स्वास्थ्य संस्थान है, जो तो हॉस्पिटल जो कि यहाँ कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है, आम आदमी मरीज आदमी यहाँ आने से डर रहा है, जो पैराफेरी मीन्स जो एडजॉइनिंग जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना ना केवल सरकार का फर्ज है बल्कि अहम जिम्मेवारी भी, और इसके विपरीत वो एडजॉइनिंग जो हॉस्पिटल है वहां से स्टाफ को शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो उनकी नीति है और नियत है, ये हमें इस पे अंदेशा है कि ये जानबूझकर इन लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों की सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है और उनको एक कोरोना महामारी में और जो दूसरी महामारी में एक मौत के मुंह में दिखने वाली बात नजर आती है। और हमने इस बारे में सीएमओ साहब से भी बात करी थी और इसके बारे में जो वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं तुंगल क्षेत्र के, 17 पंचायतों को रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल, और वहाँ भी उन्होंने इसके बारे में ज्ञापन दिया है जिसमें व्यापार मंडल भी शामिल है, वहाँ के पंचायत सदस्य भी शामिल है और जनप्रतिनिधि और जो महिला मंडल है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी शामिल है और वो सीएमओ साहब से भी मिले थे। पर इसके बावजूद भी सीएमओ साहब ने लोगों की मांग को अनसुना कर दी, ये बहुत ही दुखद। और इस बारे में अब चूंकि हम लोग अगर सरकार अधिकार देती है तो लोग अधिकार लेना भी जानते हैं, हम उनको अपनी बात भी सुनाना जानते हैं, तो इसके बारे में हमने ये तय किया है कि हम पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन चलाएंगे और उसके बाद अगर प्रशासन और सरकार की कान और आंख तब भी बन रही तो हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे और इस मुद्दे में जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक डेपुटेशन रद्द नहीं किया जाता और जब तक वहाँ स्थायी कर्मचारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की जाती, हमारा आंदोलन थमने वाला नहीं है।